वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो की बातों से इख्तलाफ नहीं, मगर जब आप हुदूद उबूर कर लें, विफाक और आइन को चैलेंज करें तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। जो तकारीर हुई और जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, अगर वो ना की होती तो ये वाकया ना होता। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। हमने कभी किसी मरहले पर ऐवान के वक़ार की तौहीन नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 10 सरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं किए थे तो इनके भी ना करें। बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने मीसाक़े जमहूरियत किया था, हमारे राबते और इख्तलाफात रहे मगर 90 की दिहाई की तलखी की तरफ नहीं गए। लेकिन जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, आप आइन को चैलेंज करते हैं, जब आप जमहूरियत की बुनियादों को जो है कमजोर करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे पंजाब के पे हमला आवर होंगे, आप जो है बारात लेके जाएंगे नाम लेके मरियम नवाज का, ये इस किस्म की बातें जो है ये खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। क्या हम आएंगे और अडियाला जेल से उनको रिहा करवाएंगे? जरूर कराएं, यहाँ इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं और आपकी अदालतों से उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, उनको अदालतों से जरूर जो है कराएं। अगर कानून और आइन के मुताबिक जो है जो भी सिलसिला होता है, आप एहतजाज करें, हर किस्म का एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज जो है वो लकीरें कबूल ना करे, वो क्रॉस ना करे जो रेड लाइंस कहलाती हैं इस मुल्क की वादत की, इस मुल्क के मफाद की, इस आइन की, इस अदारे की।